बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपनी गेट टू टेल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो में ये बताऊँगा कि आप अगर किसी भी सिम पे रोमिंग एक्टिवेट करवाते हैं तो वो नो सर्विस आपको बता रहा होता है। मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक फीडबैक के साथ, क्योंकि दो बंदों को मैंने ये रोमिंग एक्टिवेट करवाई थी और उन्होंने कहा कि हमें ये नो रोमिंग बता रहा है। तो मैंने उनको एक सेटिंग बताई, उससे उसका मसला हल हो गया था। तो फीडबैक की तरफ चलते हैं, क्या फीडबैक हमें मिला। पहले जो मान वाले ने मुझे मैसेज की थी फेसबुक पे, तो मैंने उसको बताया वो सेटिंग, वो हल हो गया। जो वॉइस मैसेज में मुझे फीडबैक मिला है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ज़रा इसकी प्रॉब्लम तो देखें कि इसने कंपनी वाले से भी रابطہ किया था, लेकिन वहाँ से वो बता रहे थे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको सुनिए आप गौर से। ईमेल भी किया है, फेसबुक पे भी उनसे बात करने और उनको फ़ोन भी किया है। फ़ोन जब किया तो वो कहते हैं कि आप अपना सेल ऑन ऑफ करें तो एक्टिवेट हो जाएगा। अब सिम टेलीनॉर की सिम डाली हुई और वो नो सर्विस बता रहा है। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे अर्जेंट एक कोड चाहिए था, वो नहीं हो रहा, बहुत परेशानी है। अब तक नहीं समझ नहीं आ रही क्या होगा। फेसबुक पे वो कह रहे हैं कि ये कोई एरर है जिसकी वजह से 7 अप्रैल तक आपको रुकना पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो हाल इसकी मसला हल होने के बाद ये वॉइस मैसेज इसने किया था मुझे। मैंने गेट टू टेल की वीडियो यूट्यूब पे देखकर इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट की और विद इन अ फ्यू मिनट्स मेरा मसला हल हो गया। मैंने इनसे फेसबुक पे बात की और ये दे वर रेडली अवेलेबल। सो अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू टू द गेट टू टेल टीम फॉर देयर हेल्प। अल्लाह ताला सब इनकी हर दुआएं कबूल करे। थैंक यू सो मच। तो आपने ये सुना कि फीडबैक मिला मुझे, ठीक है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे तरीका बताने जा रहा हूँ कि आपकी जो है ये मसला हल हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं गेट टू टेल फेसबुक पेज पे। उसके लिए आपको क्या करना है, मसला अगर आप एक्टिवेट करवाते हैं रोमिंग किसी भी सिम पे, जेस पे, टेलनार पे या यूफोन या जोंगो, तो उस पे क्या होता है कि आप कहीं मौजूद हैं कहीं बैरूनी ममालक में, तो आपको रोमिंग एक्टिवेट करवाना पड़ता है। ठीक है, सिंपली आपको क्या कर देना है, सेटिंग में जाना है और उसके बाद आपको नेटवर्क सेटिंग में जाना होगा। ठीक, यहाँ पे मैं नेटवर्क सेटिंग में जाता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग मोबाइल नेटवर्क में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क ये मिल रहा है। सिंपली आपको क्या कर देना है, इसको बंद कर देना है। तो बंद करेंगे तो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, चूज़ करने पड़ेंगे नेटवर्क। आप अगर KSA में सऊदी अरब में, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं मोबली या ड्यू ST या कोई और सिम होते हैं इतिसलाते, इस तरह की सिम जो आप यूज़ कर सकते हैं। ओमान में, इंडिया में वोडाफोन यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे कोई सर्विस नहीं है, मेरे पास रोमिंग एक्टिवेट नहीं है। तो आप इस तरह से ये प्रॉब्लम हॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आता है तो आप विदाउट हेजिटेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट फेसबुक पेज। ठीक है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पेज। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे गेट टू टेल फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगबान।